हैं पहले मुझे। अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आवाज आ रही है। अच्छा, अब हमारा जो पहला एक्सेल का फॉर्मूला है वो सबसे सिंपल सबसे इजी फॉर्मूला है, और वो है यूनिक का। सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है, आपने लिखना है इज इक्वल टू यूनिक, UNIQUE, एरे। एरे का मतलब ये होता है किस कॉलम को या किस टेबल से आपने यूनिक वैल्यूज लेनी है। तो सुपर स्टोर के अंदर सेगमेंट का टेबल है जिसमें से मैंने यूनिक वैल्यूज लेनी है। सिंपली इसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास सेगमेंट भी आ गया, मेरे पास कंज्यूमर भी आ गया, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसी आ गई हैं जैसे कि यहाँ पिवट टेबल में आई थी। एक एडिशनल जीरो आया है, जीरो आने की वजह यह है कि मैंने एच कॉलम पूरा सिलेक्ट किया और एच कॉलम के अंदर ब्लैंक्स भी थे, वो ब्लैंक्स जो हैं वो जीरो की शक्ल में जहाँ पे शो हो गए। लेकिन फिलहाल आप इसको इग्नोर करें, आगे चल के हम इसको भी हैंडल कर लेंगे कि कैसे इससे जान चुरानी है। दूसरी चीज जो है, अब इसकी इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ करता हूं। अगर मैं कहूं कि मुझे ये वाले नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स ये ऐड करने हैं, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं सम का फंक्शन यूज करूंगा, या मैं क्या करूंगा कि उसको ऐड करता जाऊंगा या सम फंक्शन यूज करूंगा। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी सेल रेफरेंस, कि सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे इस सेल का एड्रेस बनता है, यहाँ पे देखें F11 और ये आगे F12 है और ये तीसरा जो है ये F13 है। तो ये तीन सेल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं F11 प्लस F12 प्लस F13, तो ये वही चीज, वो तीन सेल जो मैंने इसको दिए उसको इसने सम कर दिया है। अब जरा इसका आसान एक मेथड भी है और वो है सम फंक्शन। आप लिख लें सम, उसको दे दें स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद डालें कॉलन और उसका एंडिंग पॉइंट बता रहे हैं उसे। स्टार्ट और एंड के दरमियान में आपने कॉलन ऐड करना है, एंटर करें तो वही नंबर आपका आ गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप तीन के लिए करें, या आप 1 लाख के लिए कर लें, 1 मिलियन रोज के लिए कर लें, वो ऐसे ही कैलकुलेट करके दे देगा आपको। क्या आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया, दरमियान के जितने सेल हैं वो ऑटोमेटिकली उनको ऐड कर लेगा और आपको उसका रिजल्ट दे देगा। अच्छा, यहां तक तो हो गया सिंपल। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये कंज्यूमर है, इसके सिर्फ इसका सम चाहिए, पहले सम लगाया और हमें रिजल्ट मिल गया। अब कंज्यूमर का जो है वो सम चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सम इफ का। सम इफ भी है और सम इफ्स भी है, ये उसी सम की फर्दर आप कह सकते हैं, इफ के साथ कॉम्बिनेशन है। इफ में और इफ्स में फर्क क्या है? इफ का मतलब ये है कि सिंगल कंडीशन के साथ, और इफ्स का मतलब है मल्टीपल कंडीशंस के साथ। कंडीशन क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। मल्टीपल का मतलब ये है कि एक से लेके एंथ तक जितनी भी आपकी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं आप सम इफ्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूं कि आपने सम इफ को नहीं सीखना ही नहीं है, आप हमेशा सम इफ्स पे काम करें। जब आप सम इफ्स पे काम करेंगे तो आप कभी भी सिंटेक्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन सम इफ के ऊपर जाने की से पहले थोड़ा सा मैं आपको इफ का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इफ जो है ये एक लॉजिकल फंक्शन है और इसका काम ये होता है कि आप इसको एक कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन को ट्रू या फॉल्स की केस में आपको कुछ रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी फॉर्मूला लिखना है तो इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना है। इफ 100 इज इक्वल टू 100, 1, 0। अब मैंने इसको ये कहा कि अगर 100 100 के इक्वल है तो फिर 1 आंसर दो, अदरवाइज 0 दो। 100 इज इक्वल टू 100 क्या है? ये है लॉजिकल टेस्ट। ये लेस देन भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं और इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू एफ इफ ट्रू, आपकी मर्जी है, 1 लिखें, 2 लिखें, ट्रू लिखें, फॉल्स लिखें, यस लिखें, नो लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू इफ फॉल्स है। तो ये तीन इसकी अंदर चीजें होती हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स।
अच्छा अब थोड़ा सा ना लॉजिकल टेस्ट किस किस तरह के हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है इज इक्वल टू का, ये मैंने अभी आपको जो बताया है, इज इक्वल टू साइन के साथ करते हैं। एक होता है जिसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, और फिर एक है जिसको हम कहते हैं जी लेस देन, और फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए ब्रैकेट वही एंगल ब्रैकेट जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसमें, ये नॉट इक्वल टू है। ये चार तरह के लॉजिकल टेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूं इज इक्वल टू इफ 100 इज नॉट इक्वल टू 90, देन अब मैं कुछ थोड़ा सा ज्यादा वर्डिंग लिखने लगा हूं, इट्स ट्रू कॉमा ब्लैंक। अब एक चीज आप नोट करें कि मैंने एक नई चीज इस फॉर्मूले में ऐड की है, वो है डबल कोटेशन मार्क। ये क्यों ऐड की है? जब भी आपने इज इक्वल टू साइन के बाद फंक्शन के अलावा टेक्स्ट लिखना है तो आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये आपको एरर देगा। एरर कैसे देगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको हटा दिया और उसके बाद मैं इसको करता हूँ एंटर, तो ये एरर आ गया इसके। ये इसका एरर आ गया। अब एरर ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें बड़े सिंपल सी बात है कि आपने कहीं पर टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को आपने डबल कोटेशन मार्क देने भूल गए हैं। समझ इसलिए नहीं आ रहा था कि वो जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इस एरर के, वो सारे के सारे देता है। वो इंटेलिजेंटली आपको नहीं बता रहा कि आपने डबल कोटेशन मार्क मिस किया है, वो और बहुत सारी चीजें भी साथ ऐड कर रहा है। तो जब टेक्स्ट लिखना है तो आपने ये ऐड करना है। आई होप कि इफ का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको इसके ऊपर मजीद गाइड कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। लिमिटेशन नहीं, सम इफ्स की नहीं। हाँ जी, किसी का भी सवाल इफ कंडीशन के हवाले से? नो क्वेश्चन। अच्छा, अब इफ अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि सम इफ्स क्या करता है या सम इफ क्या करता है। सम इफ ये करता है कि आप इसी तरह की एक लॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, अगर वो ट्रू होता है तो नंबर को सम कर लेता है, फॉल्स के केस में वो उसको सम नहीं करता। ये इसका सिंपल इतना सारा काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैं ऊपर इसका फॉर्मूला ही सम इफ लिखने लगा हूं। सम इफ इज इक्वल टू सम इफ, पहले लिखा हुआ है रेंज, अब इसके अंदर हिंट्स देखें, इसमें लिखा हुआ है रेंज। रेंज का मतलब ये है कि किस कॉलम को आपने सम करना है, सॉरी किस कॉलम के ऊपर आपने कंडीशन लगानी है। तो रेंज है मेरे पास सेगमेंट कॉमा, दूसरा है रेंज क्राइटेरिया, वो है कंज्यूमर, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है सम रेंज। सम रेंज वो कॉलम है जिसको हमने समराइज करना है, जो कि हम सेल्स को ले लेते हैं। अब ये कंज्यूमर का वही नंबर है जो कि आपके पास ऑलरेडी सम होके पिवट टेबल में आया हुआ था। अब ये मत पूछिएगा कि पिवट टेबल जब है तो फिर हमें फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है, ये इसका एक फीचर है और ये बहुत जरूरी है। मैं दोबारा इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है तारिक साहब लेस देन ग्रेटर देन, ये जो बात में नीचे लिखा हुआ है ना, ये तारिक साहब का सवाल ये है कि हम ये एंगुलर ब्रैकेट लेस देन ग्रेटर देन क्यों यूज करते हैं या कब यूज करते हैं। जब हमने ये देखना हो कि किसी एक एरे के अंदर जो चीज है उसमें से सिर्फ वो हटा दो जो उस एक पर्टिकुलर चीज के इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि कंज्यूमर के अलावा उठा लो, तो फिर मैं यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज कर लूंगा। नॉट इक्वल टू कहते हैं इसको, ये है नॉट इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन लेस देन, ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा, सम इफ जो है इसमें आपने देखें सबसे पहले क्राइटेरिया है, उसके बाद रेंज है, उसके बाद सम रेंज है। यही चीज अगर मैं सम इफ से लिखूं,
इसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूला के बाद आपने सम इफ को भूल जाना है, कुछ भी नहीं है, सम इफ्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इज इक्वल टू सम इफ्स, अब यहां पर देखें सम रेंज पहले आ गया, उसमें सम रेंज एंड पे था, इसमें सम रेंज पहले, और यही कंफ्यूजन जो है ये अक्सर लोग इसकी वजह से सम इफ और सम इफ्स में फंसे रहते हैं, और मैं इसलिए कहता हूं कि आपने सम इफ को भूल जाना है। तो सम इफ्स में क्या है, पहले आपने किस कॉलम को सम करना है वो दे दिया, कॉमा आपका क्राइटेरिया कॉलम कौन सा, क्राइटेरिया है हमारे पास सेगमेंट का, और फिर रेंज क्या है जी, रेंज हमारे पास वो वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हम सम करना चाह रहे हैं। अब ये रिजल्ट वही आया है जो कि आपने कंज्यूमर के केस में सम इफ के केस में आपने लिया, रिजल्ट सेम है, सिंटेक्स डिफरेंट है, और डिफरेंट इस तरह से है कि टोटली अपोजिट है। अब मैं क्यों कहता हूं कि सम इफ को छोड़ दो और सम इफ को पकड़ लो, मैं ऐसा क्यों नहीं कहता कि सम इफ भूल जाओ और सम इफ पे आ जाओ, हमें मल्टीपल कंडीशन की तो अक्सर जरूरत पड़ती है, सिंगल कंडीशन की शायद कम जरूरत पड़ती है। मल्टीपल कंडीशन वाला जो सम इफ्स है वो हमारी नीड सिंगल कंडीशन पे भी पूरी करता है और मल्टीपल पे भी करता है, लेकिन सम इफ जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नीड पूरी करता है एक कंडीशन के ऊपर, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसको मैं यहां पे भी सम कर लेता हूं, इज इक्वल टू जे फोर कॉलन जे सिक्स, ये सम हो गया। अब इसको बेशक आप इन वैल्यूज को मैच करते रहें, ये देखें, अब इसको सम करना सिंपल था, आपने इज इक्वल टू सम जे फोर टू जे सिक्स लिखा तो ये सम हो गया। आज के लिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूं आज का सेशन के लिए, एक तो आपने पिवट टेबल की प्रैक्टिस करनी है और दूसरा आपने ये सम इफ का फंक्शन लगाना है, सम का फंक्शन यूज करना है, स्लाइसर यूज करना है। लेकिन इसमें आप लोगों की एक असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि इसी तरह का एक पिवट टेबल बनाना है। मुझे नहीं इस चीज के ऊपर कोई मसला कि आप कॉलम में क्या यूज करते हैं या आप रोज में क्या यूज करते हैं या वैल्यूज में कौन सी कॉलम को यूज करते हैं, आपकी मर्जी है। उसके ऊपर एक या दो स्लाइसर आपने लगाने हैं, कोई से भी लगा लें, इसकी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह की समरी आप पिवट टेबल से बना रहे हैं वही समरी आपने फार्मूले के जरिए भी बनानी है, ये चीज आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। ये दो चीजें करके आप मुझे अपनी असाइनमेंट भेज दीजिएगा। जो सेकंड वीडियो है इसके ऑलमोस्ट एंड पे या मिडल में जाके असाइनमेंट मैंने बताई है, मैं एंड पे एक दो आप दोबारा बता दूंगा ताकि अगर आपने किसी भी टाइम असाइनमेंट देखना होगा क्या असाइनमेंट थी और वहां से आप देख सको, ये लाजमी करनी है साथ साथ, नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। अब अगर आपका कोई सवाल है इस ट्रेनिंग के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, या जिस तरह अजमल साहब की सजेशंस होती हैं उस तरह की सजेशन है, या आप फार्मूला के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ आप चाहते हैं मैं आपको मजीद डिटेल में ब्रीफ कर दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी। सर थैंक यू सो मच, एक तो बहुत अच्छा सेशन आप दे रहे हैं, सेकंड ये कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम यूज तो काफी टाइम से कर रहे हैं, एक्सेल बता रहे हैं ये काफी मतलब एडवांस लेवल है, तो एकदम से इसको पकड़ना मुश्किल हो रही है और नहीं मुश्किल होगी, बेफिक्र रहें आप, प्रैक्टिस साथ-साथ करते रहें उतनी एडवांस। देखें मैंने इसको ना मंसूर, मैंने इसको इस तरह से रखा है कि बिल्कुल सादी चीजें यानी कि आसान चीजें भी साथ लेके चलूंगा और ये मुश्किल चीजें भी साथ लेके चलूंगा। जैसे पिवट है बहुत आसान है, आप फिंगर टिप्स पे आ जाएगा एक सेकंड के अंदर, फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। याद रखें ये शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं ना, शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, ये बड़ी जल्दी जेहन में घुसती हैं और बड़ी जल्दी दिमाग से निकल भी जाती हैं, निकलती उस सूरत में है अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसके बाद जैसे ही आपको वीडियो मिल जाती है, एक्सेल आपके पास अवेलेबल है, डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप यही काम उसके ऊपर करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली ये फिर भूलेगा नहीं आपको। एक घंटा मैं आप मेरे साथ रहते हैं, कम से कम दो या तीन घंटे आप प्रैक्टिस को दें, समझ में आ गई है फिर एक दो दफा प्रैक्टिस करें, फिर देखें कभी भी नहीं भूलेगा आपको ये। अगर फिर भी समझ नहीं आई फिर अगले दिन सेशन के स्टार्ट में सवाल करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें, वो दिखाएं, उसके ऊपर आप हेल्प लें, या आप ग्रुप के अंदर मैसेज डालें, मैं या मेरी तरह का कोई भी बंदा इस ग्रुप के अंदर वो आपको उस पे जरूर हेल्प आउट कर देगा। जी मिस आयशा आप कुछ पूछना चाहते हैं?
आमिर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इनको क्लैरिटी दे देते हैं रेंज और क्राइटेरिया की, तो मेरा ख्याल है कि इफ समझने में आए बहुत आसानी रहेगी। तारिक साहब, मैं बिल्कुल कर देता हूँ इसके ऊपर। जी अजमल साहब, आपका सवाल। मेरा सर सवाल ये है कि ये जो शीट है जिसमें हमने ये स्लाइसर लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, ये जी अगर हम शेयर करना चाहें कि मल्टीपल लोग इसे व्यू कर सकें, बैक वक्त यूज कर सकते हैं। आप जिसको मर्जी शेयर करें, इसका इसके डेटा का कोई मसला नहीं। वन ड्राइव में रखें और उसको वन ड्राइव में भी रख सकते हैं और गूगल ड्राइव में भी रख सकते हैं, उसका लिंक शेयर कर दें लोगों के साथ। नहीं मतलब अदरवाइज पता है क्या है, अभी हमें आता है प्रॉब्लम ना, वन ड्राइव पे हमने शेयर किया तो वो मैंने फिल कर रहा था तो दूसरों लोग नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उसने लॉक किया हुआ है, इसको कैसे करना है? मतलब अगर रीड ओनली, मतलब हम चाहते हैं कि स्लाइसर यूज करे वो बंदा, हाँ अच्छा, जी, मल्टीपल आदमी उसे यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मेरा सवाल ये है असल में। यूज कर सकते हैं। और ये हमारे जो ट्रेनिंग है ना, उसका जो लास्ट पार्ट है, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ पार्ट बनता है, ये उसमें डिटेल में कवर्ड है। वो डेफिनेटली हम जब काम कर रहे हैं तो हम उसको वन ड्राइव पे भी लेके जाएंगे। उसका वैसे जो मेन होता है ना, वो शेयर पॉइंट होता है, कि आपने शेयर पॉइंट पे रखी, शेयर पॉइंट शेयर कर दिया, आगे यूज कर ले। यस, वन ड्राइव में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन वन ड्राइव में आप या तो व्यू ओनली एक्सेस देते हैं या आप एडिट एक्सेस देते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। यू ठीक है, थैंक यू सर। आर वेलकम। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? आमिर, कल का क्या डिसाइड हुआ है, सेशन कितने बजे होगा? तारिक क्या कल साहब, नहीं होगा, परसों होगा? देखें इसमें ना, वैसे अभी आप लोग मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। कल 10 से मे बी 10:45 बजे तक या 11 बजे तक वो सेशन करना है मैंने। उससे पहले कहेंगे तो मैं उससे पहले भी अवेलेबल हूँ, उसके बाद कहेंगे मैं उसके बाद भी अवेलेबल हूँ। मैं तो तकरीबन रात को 1-2 बजे तक जाग रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होगा, कुछ जी लोगों ने बाजमात नमाज पढ़नी होती है तो वो उनकी जमात मिस हो जाती है, और बाद में सैटरडे है और उसके बाद आप सबकी छुट्टी है। हम 11 से 12 कर सकते हैं, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11 से 12 भी हो सकते हैं, और मगरिब की फौरन नमाज के फौरन बाद भी हो सकते हैं, 8 से 9। नमाज हाँ एग्जैक्टली, ये भी आठ ठीक है। बजे है ईशा की? नहीं, मगरिब के बाद, मगरिब के बाद 7:30 मगरिब हो जाती है ना, मगरिब तो 7:45 तक आ जाते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस देख लें। ठीक है, देखें अगर आप मगरिब से ईशा में अवेलेबल हैं तो उस पे कर लेते हैं। बाकी के दोस्त क्या कह रहे हैं आबिद भाई, और आप अपनी कन्वीनियंस भी देख लें। नहीं, देखें मैं तो वेल सर, मैंने तो अपने आप को डेडिकेट किया ना इन ट्रेनिंग्स के लिए। मैं तो आप अवेलेबल हूँ, आप बताएं, सब लोग बता दें कि कौन सा टाइम ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, 8 से 9 का ग्यारह और 11 से 12 के बाद का आई एक थिंक पोल डाल पोल देता हूँ, मुझे उस पर आप लोग वो दे दें, अपना फीडबैक दे दें। डालते, आप पोल डाल दें। ज्यादा ही डेमोक्रेटिक हैं आबिद भाई। सर अच्छा सर, वो मेरी एक इसमें सजेशन थी, जी जो नमाज वाला है ना मामला, अभी मैंने आपकी जितनी करनी है ना अटेंड, उसमें एक मगरब इशा मैंने इकट्ठे पढ़नी है, क्योंकि अदरवाइज मैं नहीं अटेंड कर सकता। तो ये जो नमाज है ना, रसूलुल्लाह ने बगैर किसी उसके कट्ठी पढ़ाई है, और ये इससे ये तो बड़ा एक अच्छा कदम है। आप ये एक सजेशन है लोगों की, जा रहे लोगों के जो है, मैं सर, सिर्फ ये आपको आ गया अपनी आपके बता रहा पास इसका ना, वो आ गया है, क्या नाम है उसका, पोल आ गया, और दो मेरे पास हूँ। उसके वो भी आ गए। आप लोग जरा इस पे अपना अपना टाइम सिलेक्ट कर लें, 8 बजे या 11 बजे वाला, तो फिर अभी इसका फैसला कर लेते हैं कल हमने किस टाइम पे मिलना है। वैसे ये है कि सर हमें आपकी कन्वीनियंस जो है ना वो देखनी है, अगर हमने लर्न करना है तो, क्योंकि टीचर बहरहाल आप ठीक कह रहे हैं सर, मैंने अपने आप को ये वाला जो हाफ ईयर है ना, ये डेडिकेट कर दिया टोटली ट्रेनिंग्स के लिए। आए अभी तक 4 लोगों ने इसके ऊपर मुझे बताया कि कहाँ पे वो क्या करना चाह रहे हैं या किस टाइम पे ट्रेनिंग चाह रहे हैं। मजीद आप और की फिर और सर
आपकी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग और होती है उनकी अपडेट कैसे मिलती है, कब होती है, कहाँ होती है? मंसूर साहब शेयरिंग का हमारी ट्रेनिंग ना दो तरह की होती है, एक है हमारी लॉन्ग ट्रेनिंग्स और एक है शॉर्ट ट्रेनिंग्स। लॉन्ग ट्रेनिंग्स जो है वो हमारी डेटा एनालिटिक्स की भी हैं, विजुअलाइजेशन की हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग की है। ये तीन ट्रेनिंग होती हैं और इनमें तमाम टूल्स जो है इंक्लूडिंग फ्रीलांसिंग ये कवर होते हैं। 6 मंथ के सेशंस होते हैं, 6 मंथ में ऑन साइट या ऑनलाइन, ये ऑन साइट भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे हमारे होते हैं शॉर्ट कोर्सेज जो कि 5 डेज 6 डेज 7 डेज के होते हैं। इसकी डिटेल आपको जो फॉर्म आपने मुझे सबमिट किया था उसमें जब भी नई ट्रेनिंग प्लान होती है तो उसके अंदर उसकी डेट के साथ, फीस के साथ, हर चीज के साथ ऐड कर दिया जाता है, वो आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तीसरी चीज ये है कि जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो गए हैं, जब कोई भी नई चीज आती है तो उसके अंदर भी वो शेयर हो जाती है आपके पास के ये नई चीज आ रही है, या मे बी आपका ग्रुप ही मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँ और वहां से जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेरा व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लग जाता है ये चीज, वहां से भी आपको पता चल सकता है। मेरी फेसबुक के ऊपर भी ये चीज जो है वो एडवर्टाइज भी होती है, प्लस मैं सिंपल पोस्ट भी लगाता हूँ, वहां से भी आपको पता चल सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन आई ना, ना वो ग्रुप में आई ना वो, तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि डेटा एनालिसिस को मेरे था कि हम ऑन साइट भी करें तो वो ज़्यादा भी अच्छा रहेगा, इसलिए पूछ रहा था। थैंक यू। आप जिस पे भी जाना चाहे ना, आप मुझे आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे मैंने आप ग्रुप में ऐड किया हुआ है, आप इस पे मैसेज करें। ये व्हाट्सएप नंबर मेरे अलावा भी मेरे एक तो कुलीग के पास है, आपको किसी ना किसी की तरफ से उस पे रिस्पांस आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये पूछना था कि क्लास फ्राइडे सैटरडे होगी दो दिन? नहीं नहीं, ये क्लास जो है ये कंटिन्यू चलेगी आपकी तकरीबन 5 से 6 दिन। यस, हम ये कर सकते हैं कि दरमियान में अगर एक आध दिन की हमें ब्रेक लेनी पड़ती है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली सेशंस हैं और कंटिन्यूसली आपने इसके असाइनमेंट्स करते जाना है। यस, इसके बाद मैं कुछ थोड़ी सी ब्रेक ले रहा हूँ इस सेशन के एंड होने के बाद, और फिर मैं दोबारा जाके जुलाई में ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, मे बी आफ्टर ईद। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने एसक्यूएल की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना चाह रही थी तो फॉर्म मैंने सबमिट किया था, बट उसके ऊपर फर्दर कोई अपडेट नहीं आ सकी। मिस आयशा, मैं मुझे 2-3 लोगों ने और भी कहा था, मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में एसक्यूएल की एक ट्रेनिंग, इवन मेरे पास 2 से 3 स्टूडेंट्स भी हो गए तो मैंने वो लाजमी कर देनी है। मैं वो अपडेट कर दूंगा फॉर्म में, आपको होपफुली उसका वो मिल जाएगा। आबिद सर, मुझे ये कहना था कि जो अभी हमने पोल किया है, अगर ये कंटिन्यूसली 1 वीक है यानी 4-5-6 डेज, तो क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ तो यहाँ का 2 घंटे का डिफरेंस है, तो जो अभी क्लास हो रही है वो तो फिजिबल है। और नहीं, ये सिर्फ एक दिन के लिए है, ये मैंने आप लोगों से जो पोल करवाया ना ये सिर्फ 1 डे के लिए है, क्योंकि मुझे कल अच्छा, के अच्छा, चाहिए ये परमानेंट। अच्छा, कल के लिए? हाँ, ये सिर्फ कल के लिए। वो भी रीजन ये है कि मैंने एक तीसरी इसकी लेग है उसको भी साथ लेके चल रहा हूँ, और वो है YouTube। तो YouTube के ऊपर कल का एक लाइव सेशन रखा हुआ है हमने फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एडवर्टाइजिंग की है फेसबुक के ऊपर, बल्कि मैं आप लोगों के साथ भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें करें, खासतौर पर वो लोग जो कि एज अ फ्रीलांसर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं या उसके ऊपर वही चीजें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं या कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, किस तरह से स्किल को चूज करना, ये चीजें सारी डिस्कस होती हैं उसमें। मैं ये कह रहा था कि
सिंस ये एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग हो रही है, तो इसमें लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें इसके अंदर तीन चीजें डिफरेंट ले रहे हैं। हम लोग डेटा मॉडलिंग भी कवर कर रहे हैं, हम लोग पावर ग्रिड भी कवर कर रहे हैं, हम लोग बैटरीज भी कर रहे हैं, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे पास बैठे हुए हैं फारूक साहब, इनका सवाल ये है कि इस ट्रेनिंग के एंड के ऊपर हमें तीन चीजें हैं, तीन प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। यस, तीन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होंगे जिस तरह से हम चल रहे हैं ना। आज हमने स्टार्ट किया, कुछ चीजें सीखी, कल हम कुछ मजीद चीजें सीखेंगे, इसी डेटा के ऊपर काम करते हुए आगे चलते जाएंगे। मे बी परसों तक हम पिवट टेबल के लिए अलग एक शीट में डैशबोर्ड बना रहे हूँ या रिपोर्ट बना रहे हूँ और फार्मूला के साथ किसी दूसरी शीट के अंदर बना रहे हूँ और उसी को आगे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम वीबीए पे जाएंगे या मैक्रोस पे जाएंगे तो वो भी इसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट भी है और हमारी असाइनमेंट्स, डेली असाइनमेंट्स का पार्ट भी होंगी। और जब आप इसको एंड कर रहे होंगे तो ये कंक्रीट डैशबोर्ड या कंक्रीट रिपोर्ट जो है वो बन चुकी होगी इसी डेटा के ऊपर। जी, और किसी को सवाल? कुफायत खान, खुरम शहजाद, आप लोग बड़ी दूर से अपने लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों का भी सवाल हो। मिस आयशा, आप भी बहुत दूर से आपने ज्वाइन किया है। इस वक्त मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान के हर कोने से एक एक बंदा लेके बैठे स्टैंडिंग में। सर बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, इस डेटा में तो आज कोई भी मसला नहीं था और इंशाल्लाह आगे भी मसला नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे भी कोई मसला नहीं होगा। सर मैंने आपको फाइल बना के भेज दी है सर। मिल गई है मुझे, चेक कर ले। इस सेशन को फिर अभी एंड करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में लिंक ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, उस रिकॉर्डिंग को देख के अगर तो आपको ऐसे समझ आ गई है सुपर बेस्ट है, नहीं समझ आई फार्मूला देखना है, पिवट टेबल को देखना है, उसकी फॉर्मेशन देखनी है, या इनिशियली जो मैंने चीजें दो चार बताई हैं एक्सेल के हवाले से वो देखनी है, तो आप उन्हीं वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। कल फिर वो आबिद, आपने इनको जो नए सीखने वाले हैं उनको क्राइटेरिया और रेंज का दोबारा रिफ्रेश करना है। अच्छा, मैं करा देता हूँ। देखिए, हमारे पास सम इफ के अंदर, ये सम इफ के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होती है रेंज, एक होता है क्राइटेरिया और एक होता है सम रेंज। रेंज वो कॉलम है जिसके अंदर से हमने क्राइटेरिया को सर्च करना है। क्राइटेरिया क्या चीज है? क्राइटेरिया इज अ सेगमेंट, अ कंज्यूमर, ये क्राइटेरिया है। अब कंज्यूमर का टेबल जब मैंने बनाना है तो मैं कंज्यूमर को उस कॉलम में सर्च करूंगा अपने डेटा के अंदर जिसके अंदर कंज्यूमर हो सकता है, और वो है एज कॉलम, यानी कि सेगमेंट्स। सेगमेंट जो है ये हमारे रेंज है और कंज्यूमर क्राइटेरिया है, और तीसरी चीज है सम रेंज। सम रेंज वो कॉलम होता है जिसको हमने सम करना होता है, जैसे इस केस में सेल्स का कॉलम जो है ये सम रेंज। आई होप तारिक साहब समझ आ गई होगी इसकी। तो क्लैरिटी थी नए सीखने वालों के लिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे। थैंक यू। अगर और कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर इसको हम क्लोज करते हैं आज के सेशन को। और कल का भी जो मैं पोल देख रहा हूं तो मेरे पास चार लोग कह रहे हैं 8 PM का, दो लोग कह रहे हैं 11 PM का, तो हम इंशाल्लाह 8 बजे जो है इसको स्टार्ट करेंगे, 8 से 9 तक का सेशन कर लेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। 5 हो गए, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।